अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो जी, आज मैंने सोचा कि आप लोगों से गपशप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2-3 दिन का गैप आ जाता है तो फिर ज़रा अच्छा नहीं लगता। आप लोगों से गपशप नहीं होते, आपके इतने प्यारे कमेंट्स नहीं मुझे मिल रहे होते, तो मैंने कहा नहीं, आज जो है ना वो आपसे गपशप करते हैं और आपको बताते हैं कि जी आज इस्लामाबाद का मौसम जो है बहुत ही खूबसूरत हुआ हुआ है। इतना लवली वेदर है कि जी सुबह 4 बजे से थंडरस्टॉर्म स्टार्ट हुआ हुआ है और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसके अलावा जी, मैं गई थी मार्केट और मुझे वहाँ पर ये रेड रेड स्ट्रॉबेरीज मिली, तो मैंने कहा कि काफ़ी सारी स्ट्रॉबेरीज ले लेते हैं क्योंकि मुझे काम आ जाती हैं ये हर चीज़ में। मैंने केक में अपनी डेकोरेशन करनी होती है, जूसेस बनाने होते हैं और फिर फ्रूट चाट में भी जो है ये काम आ जाती है, तो इसमें से कुछ स्ट्रॉबेरी जो है वो मैं फ्रीज कर लूँगी अभी, कुछ स्ट्रॉबेरीज का जो है वो मैं जूस बना लूँगी। तो जी बड़ा मज़ा आने वाला है, मुझे तो स्ट्रॉबेरी जूस बहुत पसंद है। आप लोगों को भी क्या स्ट्रॉबेरी जूस पसंद है? स्ट्रॉबेरी लेने के बाद जी मेरी नज़र पड़ गई एप्पल्स पे और मैंने कहा कि आज मैं एप्पल्स भी लेके जाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं ग्रॉसरी के लिए जाती हूँ तो मेरे माइंड से स्किप हो जाता है कि मैंने एप्पल्स भी लेने, और काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने एप्पल्स नहीं खाए और बच्चों को और घर के लिए मैं एप्पल्स नहीं लेके आई। तो जी एप्पल्स मैं लेके आई और आप लोग भी जो है वो एप्पल लाजमी खाया करें, क्योंकि कहते हैं ना जी, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। इसके अलावा जी मैं बना रही हूँ आज खाने में बैंगन का भरता, और आज मैं बैंगन इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे आज और कल में जो है वो अपने होप का फॉइल चेंज करना है, और फॉइल चेंज करने से पहले पहले जो है वो मैं अपनी ये डिश भी बना लेती हूँ, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी मेरे होप को जो है ना वो ख़राब कर देती है। इस वजह से मैंने कहा कि फॉइल चेंज करने से पहले ही मैं अपने बैंगन का भरता जो है बना लेती, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत शौक से खाते हैं। वैसे हैरत वाली बात है कि बच्चे बैंगन का भरता शौक से खाते हैं, आप भी यही सोच रहे होंगे, मैं भी यही सोच रही हूँ जी। हालांकि बैंगन का भरता जो है वो मोस्टली बच्चे जो हैं वो नहीं पसंद करते, लेकिन मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बल्कि स्पेशली डिमांड करते हैं कि मामा जी काफ़ी डेज हो गए हैं आपने बैंगन का भरता नहीं बनाया। तो जी इसीलिए आज मैं फाइनली बैंगन का भरता बना रही हूँ। बैंगन हो चुके हैं जी मेरे रेडी, बस अब मैं इसको ठंडे ठंडे पानी में जो है वो इनको ठंडा कर लूँगी। वैसे सच्ची बात बताऊं, लोग तो बहुत कोशिश करते हैं कि हमें किस तरीके से वो जलाएं, मतलब कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं होती हमारी कोई भी खुशी, उनका बस नहीं चलता कि वो हमें बैंगन की तरह जलाएं जी। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी जो है ना इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, समझदार हैं, हर चीज़ को समझते हैं, देख रहे होते हैं, बस ज़रा थोड़े मासूम हैं हम। हमारा सबसे बड़ा जवाब जी हमारी खामोशी होती है उनके लिए, जो हमें तकलीफ़ देते हैं, जो हमें परेशान करना चाहते हैं और जो हमें खुश नहीं देख सकते। क्योंकि यकीन जी हर बात का जो है ना वो जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी किसी को मारने के लिए आपकी खामोशी ही काफ़ी होती है। वैसे तो जी अगर किसी बात का जवाब ना दिया जाए तो कुछ लोग ये समझते हैं कि जी इनको तो जवाब देने ही नहीं आता, या फिर ये लोग गलत हैं क्योंकि ये अपने बारे में कुछ भी बोल ही नहीं पा रहे। तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हमारी तरबियत जो है ना वो हमें समझा देती है कि हर बात का जवाब देना जो है वो ज़रूरी नहीं होता, और वैसे भी किसी बेवकूफ़ इंसान के साथ बहस करना बनता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप एक बेवकूफ़ इंसान को कोई किसी भी चीज़ की स्टेटमेंट दे रहे होंगे और कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे होंगे तो वो आपकी बात कभी भी नहीं समझेगा, और उससे बड़े बेवकूफ़ आप खुद होंगे क्योंकि आप एक बेवकूफ के साथ बहस कर रहे हैं। इसलिए जी अगर आप समझदार हैं और अक्लमंद हैं तो ऐसे लोगों के साथ बात को मत बढ़ाएं जो आपकी बात को समझना और सुनना ही नहीं चाहते। अच्छा जी, बैंगन तो जी मेरे रेडी हो चुके हैं, बस अब मैं इनको कट करके एक दफ़ा अंदर से देख लूँगी, क्योंकि अक्सर जो है वो लोगों को शायद इस बात का मालूम नहीं होगा कि जब बैंगन आप अगर ऐसे ही डाल देते हैं तो कभी कभी इसमें छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे होते, क्योंकि अगर बैंगन आपका ज़्यादा पका हुआ होता है तो उसमें छोटे छोटे से जो हैं वो कुछ कीड़े टाइप हो जाते हैं, मुझे नहीं पता उनको क्या कहते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से पकाइएगा, क्योंकि बैंगन जो है वो टेस्ट तो बहुत देते हैं, लेकिन ये ना हो कि आप अपने खाने वालों को जो है वो घर वालों को बैंगन के साथ साथ वो छोटे छोटे कीड़े भी जो हैं वो खाने में मिला दें, और वो तो यही समझेंगे कि बहुत टेस्ट आ रहा है लेकिन वो उनके खाने में शामिल हो जाएंगे। इसलिए इस चीज़ का एहतियात करें, जब भी आप बैंगन बनाते हैं तो काइंडली आप अपने बैंगन को बीच में से कट करके उसकी जो है वो फुल उसको चेक करके तसल्ली करके फिर आपने जो है उसको पकाना है। असल में मैं आपको ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने एक दफ़ा जो है ना किसी के घर में बैंगन देखे थे, तो वो जब मैं खाने लगी तो उसके बीच में जो था वो आधे इंच की तकरीबन जो है ना वो कोई कीड़ा था, सुंडी टाइप कोई कीड़ी। सॉरी जी, मुझे तो बताते बताते खुद भी हंसी आ गई, मैं अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन सच में जो मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल सच्ची बात है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को भी अलर्ट कर दिया। अब जब भी मैं बैंगन बनाती हूँ तो मुझे वो जब टाइम याद आता है तो मुझे खुद भी हंसी आती है, और इस चीज़ को मैं खुद भी एहतियात से पकाती हूँ क्योंकि ये खाने में तो वाकई में बहुत टेस्टफुल होता है। लेकिन खाने के साथ साथ ये एहतियात बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि ये ना आप बैंगन के भरते के साथ इन्जॉय करते करते इन छोटे छोटे कीड़ों का टेस्ट भी इन्जॉय कर रहे हो। बैंगन का भरता जी हो चुका है मेरा रेडी, साथ मैंने बनाया था धनिया, पुदीना, हरी मिर्च का रायता,
खाना रेडी करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट टाइम होना चाहिए और रेस्ट टाइम के लिए जो है वो एक हेल्दी ड्रिंक होना जो है वो लाजमी है। तो मैंने सोचा कि चले स्ट्रॉबेरी का जो है वो जूस रेडी करती हूँ, बच्चों को भी पिलाती हूँ, खुद भी पीती हूँ और इन्जॉय करती हूँ अपना रेस्ट टाइम। तो चले जी, मैं तो अपनी हेल्दी ड्रिंक पी के, मतलब कि स्ट्रॉबेरी जूस पी के हो चुकी हूँ एकदम एक्टिव। अब मैं करूँगी जी अपने वापस किचन के सारे काम से, जो कि मैं अपने किचन की काफ़ी सारी ग्रोसरी करके आई थी, मतलब कि स्प्रिंग अनियंस लेके आई थी, क्योंकि स्प्रिंग अनियन के साथ साथ जो है वो मैं धनिया भी लेके आई थी क्योंकि मुझे मिल रहा था फ्रेश, और साथ में लेटस लीव्स भी लेके आई थी और लेटस भी मैंने जो है वो उनकी कटिंग कर ली है, साथ साथ मैंने इनको भी कट करके रख दिया। बस अब मैं इनको बैग्स में डालूंगी और इनको फ्रिज में रख दूंगी और स्प्रिंग अनियन को जो है वो मैं फ्रीज कर दूंगी, क्योंकि ये जब सीज़न ऑफ हो जाता है तो फिर इतने फ्रेश मुझे मिलते नहीं हैं। इसके अलावा जी शाम को खाने में मैंने ये झटपट से अपनी वही आलू अंडे वाली रेसिपी बनाई है, जो मैं आपको कई दफ़ा भी दिखा चुकी हूँ और हमारी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मतलब जल्दी से बन जाती है और अचानक जब रात को भूख लग रही होती है तो इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। तो जी शाम के खाने के लिए मैंने ये भी रेडी की थी। चलें अब आपको इसकी रेसिपी की तरफ भी लेके जाते हैं और साथ साथ आपसे बात करेंगे गपशप भी। अब बात करते हैं जी मौसम की। तो जी मौसम हो गया है बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सुहाना, पता नहीं कहाँ से बादल आ गए और अचानक से बारिश शुरू होगी। वैसे मैंने 2-3 दिन पहले वेदर चेक किया था तो उन्होंने बताया था कि जी 3-4 दिन अगले बारिश होने वाली है और वो भी थंडरस्टॉर्म के साथ। तो जी मुझे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि जिस तरह से गर्मी स्टार्ट हो गई थी मैंने कहा शायद वैसे ही बोल रहे हैं ये सब, लेकिन वाकई में ये तो बात सच थी कि मौसम चेंज हो गया है। क्योंकि आज सुबह जब 4 बजे मैं उठी नमाज के टाइम के लिए तो उस वक्त जो था वो थंडरस्टॉर्म स्टार्ट हो चुका था लेकिन बारिश स्टार्ट नहीं हुई थी। फिर जब सुबह उठी मैं बच्चों के लिए स्कूल की टाइमिंग्स के लिए 6 बजे, तो जी उस वक्त बारिश खूब जोर शोर से बरस रही थी। तो जी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। वैसे दिल तो मेरा उस वक्त चाह रहा था कि मैं हस्बैंड को कहूँ कि चलें बाहर चलते हैं थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक करते हैं, लेकिन बारिश बहुत तेज़ थी। हाँ अगर बारिश थोड़ी सी रिमझिम होती तो मैं ज़रूर वॉक पर जाती, लेकिन फिर बच्चों के स्कूल का टाइम भी था तो मैंने ज़रा कहा कि नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं, शाम तक चले जाएंगे। उसके बाद जी बच्चों को बस फिर स्कूल के लिए रेडी किया, बच्चों को स्कूल भेजा। जैसे ही मैंने बच्चों को बताया कि भाई बच्चों आज तो बाहर बारिश हो रही है, तो बच्चों ने कहा मामा कोई बात नहीं छुट्टी कर लेते हैं। तो मैंने कहा बेटा आप लोगों ने कौन सा पैदल जाना है, आपने तो बस सिर्फ तैयार होना है, कार में बैठना है और आपको स्कूल ड्रॉप कर देना है, तो प्लीज़ अपने लिए में एक्सक्यूजेस बंद कीजिए और स्कूल की तैयारी कीजिए। जी बस झटपट से फिर बच्चों को रेडी किया, नाश्ता खिलाया और उसके बाद स्कूल ड्रॉप करके आई मैं जाके। वैसे बड़ा अच्छा लगता है जब आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं, फ्रेश एयर हो, मतलब कि बारिश की इतनी प्यारी खुशबू आपको मिल जाती है सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा आपका जो है वो टाइम स्पेंड हो जाता है, मतलब कि आपका पूरा दिन इतना अच्छा गुजरता है ना क्योंकि आप सुबह उठते ही फ्रेश हो जाते हैं, मतलब सारे दिन की जो आपकी टेंशन होती हैं, सॉरी सारे दिन की नहीं, मतलब कि जो आपके पिछले सारे दिन की टेंशन होती है और आपको और भी कितनी सारी टेंशन होती हैं वो सारी जी एकदम से रिमूव हो जाती हैं, मतलब कि आप एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। क्योंकि जी बारिश है ही ऐसी चीज़, जब ये आपके ऊपर बरसती है ना तो आपको ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला का प्यार आपके ऊपर बरस रहा है, आप सारी तकलीफ़ें परेशानियाँ एक लम्हे के लिए भूल जाते हैं और आपके चेहरे पर खुद से मुस्कुराहट आ जाती है। आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में एक नई और प्यारी बात के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।